जहाँ आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपने गेम में न्यू हाउस को ले लिया और अपने न्यू हाउस के ऊपर कलर भी चेंज कर लिया और अपना जो न्यू हाउस है वो काफी ज्यादा मस्त देखने को मिला। लेकिन काफी बंदों को नहीं पता कि न्यू हाउस को अपने गेम में कैसे ले सकते हैं, तो चलो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपने गेम में न्यू जेट को भी ले लिया, जेट को भी ड्राइव करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। उसका भी चीट कोड आप लोग को आज की वीडियो में लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपने न्यू वेपन्स में न्यू बम को और न्यू गन्स को भी एड कर लिया है। एंड इसको कैसे एड कर सकते हैं ये भी आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, कि न्यू अपडेट को प्ले स्टोर से कैसे कर सकते हो। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट एंड आप लोगों को कुछ स्टाफ लोगों ने वीडियो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बाद में आप लोग बोल जाए तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस छोटे से अनुरोध का फिर से एंड आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडियन बाइट एम सिटीजन लिलीज कुछ अमेजिंग सी चीट कोड और अपना न्यू अपडेट को कैसे करना है ये भी आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। काफी बंदों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे अपने गेम में हम लोग अपने न्यू वाले हाउस को कैसे ले सकते हैं, न्यू वेपन्स को किस तरह से ले सकते हैं और आप लोग किस तरह से अपने जेट को भी ड्राइव कर सकते हो, जेट का भी चीट कोड क्या होने वाला है। तो फाइनली मैंने अपने गेम में न्यू जेट को भी ले लिया एंड जेट का चीट कोड क्या है वो भी आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो आप लोगों को एक करके चीट कोड बता देता हूं और साथ ही आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि अपने गेम में न्यू हाउस आप लोगों के गेम में किस तरह आएगा, न्यू हाउस को लेने के बाद हम लोग किस तरह से उसको एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही हम लोग अपने न्यू हाउस का कलर भी चेंज कर सकते हैं, कैसे कलर सर्च कर सकते हैं, न्यू हाउस को कैसे ले सकते हैं आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि न्यू अपडेट भी हम लोग किसी तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो चीज हम लोग आगे देखने वाले। तो पहले हम लोगों को बता देता हूं इंडियन मार्केट के अंदर आप लोगों को अपने गेम में न्यू वेपन्स किस तरह से लेना है एंड अपने न्यू वेपन्स का चीट कोड क्या होने वाला है। तो गाइस आप लोगों को अपने वेपन्स को लेने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ना, आप लोगों को करना है अपने गेम में आईजी टूल को ओपन। तो गाइस अभी तुम यहां पे देख रहे होंगे मेरे गेम में यहां पे दो जगह छुटी हुई देखने को मिल रही है। अब मैं आप लोगों को इसके अंदर वेपन्स लगा के दिखा देता हूं। तो आप लोगों को जाना है आईजी टूल में और यहां पे आप लोगों को वो चीट कोड लिखना है जो कि चीट कोड मैं लिख रहा हूं, उसके बाद जो वेपन्स है वो पूरे भर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अपने गेम में लिखते हैं जी, तो गाइस पहले आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपने गेम में न्यू गन्स और न्यू वेपन्स इसी तरीके से लिए और उन दोनों को मैं एंजॉय भी कर पा रहा हूं। अब मैंने कौन सा चीट कोड लगाया तो मैं आप लोगों को वो चीट कोड बता देता हूं। तो आप लोगों को पहले लगाना है जी एंड उसके बाद आप लोगों को लगाना है ए एंड चलो वो भी चीट कोड आगे बताने वाला हूं। पहले हम लोग देखने वाले अपने गेम में न्यू हाउस कहां पे देखने वाले न्यू न्यू निशान जीटीआर का चीट कोड करके हम लोग को चीट कोड बता देता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं इंडियन बैकग्राउंड शीट के अंदर एक बहुत ज्यादा जबरदस्त ट्रिक है। ट्रिक करने के लिए आप लोगों को पहले अपने गेम में कुछ नहीं करना है, 9129 को लगा देना है। अपने गेम में 9129 लगाने के बाद आप लोगों को गेम में अपने इंटोवर कार को स्पॉन करवा लेना। तो इंटोवर कार को स्पॉन करवाने के बाद आप लोगों को इस पे फायर कर देना। अब आप लोग अगर इसके ऊपर फायर करोगे तो आप लोग देखोगे वो कार पूरी ब्लास्ट हो चुकी है, बट इसमें असली ट्विस्ट अब जाता है। तो अब आप लोगों को इसके पास में जाना है और पास में जाने के बाद आप लोगों को ये निकालना है और आप लोग देखोगे भाई साहब मतलब आप लोग की मतलब इजी तरीके से उसके ऊपर जलती हुई कार के ऊपर आप लोग कलर चेंज कर सकते हो। मैं है ना कब अमेजिंग से ट्रिक, ठीक है। इसको ब्लास्ट कर देता हूं और उसके बाद इसका कलर भी हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। राइट, मैंने इसको ब्लास्ट कर दिया और बाइक आप लोगों की जो रिमूव होने से पहले आप लोगों को अपनी बाइक के ऊपर कलर चेंज करना पड़ेगा, वरना आप लोग की जो बाइक है वो रिमूव हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने उसके ऊपर आरजीबी कलर कर लिया और का है ना काफी ज्यादा अमेजिंग। लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को एक ट्रिक और बता देता हूं। ट्रिक को करने के लिए आप लोगों को गेम में अगर आप लोग कोई बाइक को स्पॉन करवाते हो तो बाइक को स्पॉन करवाने के बाद अगर आप उड़ते हो, जैसे कि मैं इस वाली बाइक के ऊपर फायर करता हूं एंड इसके अंदर अगर आग लग जाती है तो भी मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूं इजी तरीके से। तो मैं इसके ऊपर पहले आग लगा देता हूं। अब देखो बाइक के ऊपर मैं बैठ चुका हूं तो मेरा जो करेक्टर है वो मरेगा नहीं और आप लोगों का जो करेक्टर है वो इसके ऊपर ही बैठा रहेगा। जैसे कि तुम देख सकते हो कि अपना जो करेक्टर है वो कितनी ज्यादा आग जल चुकी है और अपनी जो बाइक है वो रिमूव हो जाएगी, लेकिन अपना जो करेक्टर है वो उसके ऊपर से नहीं उतरेगा। ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग सा ग्लिच है, ठीक है। साथ ही उसने हैंडमेंट पहन लिया बट आप लोग अपनी बाइक को चला नहीं पाओगे और ना ही उसको ड्राइव कर पाओगे। लेकिन ये मैंने ट्रिक को कैसे करा चलो मैं तुमको बता देता हूं। तुमको ये ग्लिच को करने के लिए पहले अपने गेम में 9129 लगा लेना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग अपने गेम में किसी भी बाइक या फिर कार के ऊपर जलती हुई पे बैठोगे तो वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी, लेकिन आप लोग उसके अंदर सही सलामत बैठे रहोगे, ठीक है। तो पहले मैं तुमको बता देता हूं अपने गेम में न्यू जेट का चीट कोड क्या होना है। तो आप लोग अपने गेम में जेट का चीट कोड इजी तरीके से स्पॉन करवा सकते हो। तो आप लोग को लिखना है गेम में जेट। तो जैसे आप लोग अपने गेम में जेट लिखोगे एंड वैसे आप लोगों को भी कुछ जितने ज्यादा आप लोग अपने गेम में जेट मंगवाना चाहते हो तो उसी प्रकार से आप लोग अपने हिसाब से जेट स्पॉन कर देना। तो मैंने कुछ अपने 3-4 बार स्पॉन करवा दिए। अब लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, आसमान में कुछ जेट देखने को मिल जाएंगे। अब काफी बंदे मेरे पास कमेंट करके बोल रहे थे कि इनको हम लोग कैसे ले सकते हैं, इनको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। आप लोग ले सकते हो, इसी तरह से ड्राइव कर सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं भी अपने गेम में ड्राइव कर पा रहा हूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हो। अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ कि इसका चीट कोड क्या होने वाला है, ठीक है। तो साथ ही मैं पहले बता देता हूँ इंडियन बैक्टेरिया के अंदर मैंने अपने गेम में न्यू वेपन्स को किस तरह से लिया और आप लोग भी अपने गेम में न्यू वेपन्स को किस तरह से ले सकते हो, राइट। तो अभी आप लोग अपने गेम में न्यू वेपन्स को इसी तरीके से ले सकते हो।
कैसे ले सकते हो ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि हमारे गेम में न्यू वेपन्स में दो जगह छुट्टी हुई देखने को मिल जाती है, तो अब आप लोगों को बता देता हूँ। तो कैसे हमारे जो गेम के डेवलपर हैं उन्होंने बोला कि इस वाले न्यू अपडेट में आप लोगों को न्यू वेपन्स ऐड होएगा, एंड वेपन्स का भी उन्होंने नाम नहीं बताया। उन्होंने बोला कि एक न्यू बम आएगा जिसमें तुमको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बम तुम यहाँ से फेंकोगे और ऑटोमेटिक वो दूर जाके फट जाएगा, एंड उसको एक्टिवेट करने का कोई चीट कोड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि स्टिकी बम में एक्टिवेट का ऑप्शन देखने को मिलता है उसका केवल डायरेक्टली फेंक तो साथ ही फट जाएगा। ठीक है, अपने गेम में हम लोग किस तरह से ले सकते हैं अपने न्यू हाउस को और अपने न्यू हाउस का लोकेशन कहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो न्यू हाउस की लोकेशन काफी अंदर को पता होगा और काफी अंदर को नहीं पता, तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ न्यू हाउस आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो न्यू हाउस पे हम लोग जल्दी से चलते हैं और आप लोगों को भी बताता हूँ न्यू हाउस की लोकेशन क्या है। बट काफी अंदर ने अभी तक लाइक नहीं किया, तो 300 का मैंने लाइक का टारगेट रखा 3K का, एंड अब आई होप आप लोग कंप्लीट कर दोगे, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पे आप लोग को ओल्ड वाला हाउस देखने को मिल जाता है, और ओल्ड वाले हाउस से आप लोगों को जाना है इसी तरीके से एयरपोर्ट की साइड, और एयरपोर्ट के साइड आप लोगों को अपना जो न्यू हाउस है वो भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मैं जा पा रहा हूँ वैसे आप लोगों को भी अपने न्यू हाउस की साइड जाना है, एंड उसके बाद आप लोगों को जो न्यू हाउस है वो भी देखने को मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मैं अपने जो न्यू हाउस पे पहुंच चुका हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे सामने की साइड देखोगे तो अपना बिल्डिंग वाला हाउस आप लोगों को देखने को मिलता है, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा न्यू हाउस देखने को नहीं मिलता। तो यार गेम के डेवलपर से तो कुछ यही इन्फॉर्मेशन आई है कि इस वाली न्यू अपडेट में इस लोकेशन पे न्यू हाउस देखने को मिलेगा, और साथ ही ये वाला जो हाउस है वो रिमूव होने वाला है। साथ ही यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यही लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, इधर रैम वगैरह भी देखने को मिलता है। राइट, साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि इस वाले न्यू अपडेट में आप लोग अपने आईजीएस टूल की मदद से अपने न्यू हाउस के ऊपर आईजीएस टूल की मदद से कलर चेंज कर पाओगे। जैसे कि तुम देख सकते हो अपने हाउस के ऊपर मैंने रेड कलर में कलर कर रखा है, और इसी तरीके से उसको एंजॉय करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने अपने गेम में न्यू हाउस को कैसे लिया, और आप लोग भी किस तरह से ले सकते हो। अंदर से भी देख सकते हो कि पूरा रेड रेड हो चुका है और काफी ज्यादा मस्त देखने को मिला है। अब इसका मैं येलो कलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो येलो कलर करने के लिए तुमको चलो वो भी चीट कोड मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। पहले बता देता हूँ कि इसको कैसे ले सकते हैं, लेने के बाद कैसे इसको लेके एंजॉय कर सकते हैं। तो न्यू हाउस को लेने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमको जैसे कि यहाँ पे न्यू हाउस देखने को मिलता है। अब आप लोग बता दूँ कैसे ले सकते हो, तो वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों का भी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भाई अपने न्यू हाउस का कलर चेंज करवा दो। तो रेड कलर में मैंने अपने हाउस को कर रखा, तो आप लोग अपने हिसाब से अलग कलर चेंज कर पाओगे, एंड इसमें आप लोगों को आईजी टूल में एक चीट कोड दे दिया जाएगा। पहले बता देता हूँ इंडियन बैंक के अंदर मैंने अपने जेट को कैसे लिया, एंड जेट को ड्राइव कैसे कर पा रहा हूँ मैं। तो वैसे इस वाली अपडेट में आप लोग को न्यू जेट देखने को मिलेगा, एंड जेट का भी चीट कोड देखने को मिलेगा, एंड आप लोग इसी तरह से अपने जेट को एंजॉय कर पाओगे। साथ ही मैं तुमको बता देता हूँ इंडियन बैंक के अंदर अपने निशान GTR भी इस वाली अपडेट में ऐड हो चुकी है, उसका भी चीट कोड आप लोग को जल्दी आने वाला है। साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस वाली न्यू अपडेट में आप लोग को एक न्यू वेपन्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस वाली न्यू अपडेट में आप लोग को ये वाला हाउस देखने को मिलने वाला है। और अभी मैं तुमको बता दूं कि अपडेट को सीक्रेट तरीके से कैसे कर सकते हैं, और अपडेट हमारा कैसे अपने गेम में आएगा प्ले स्टोर पे। न्यू अपडेट है वो प्ले स्टोर पे अभी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो न्यू अपडेट है वो 25 या फिर 30 तारीख को अपडेट आने वाला है। तो अब आप लोगों को कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन सी तारीख को न्यू अपडेट चाहिए, एंड जिस पे 25 पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो 25 तारीख को अपडेट दे दिया जाएगा, और अगर 30 पे रिक्वायरमेंट होगी तो 30 को न्यू अपडेट आएगा। ठीक है, तो एंड आज की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कुछ इतनी थी जो कि गेम के डेवलपर सबसे फाइनली मेरे को प्रोवाइड हुई थी। तो इस वाले न्यू अपडेट में न्यू वेपन्स, न्यू जेट और अपने न्यू सुपर कार, न्यू निशान GTR कार, न्यू हाउस देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर सेकंड वीडियो में, जब तक लेते हैं आप लोगों से गुड बाय, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जो मन कर देना। मिलते हैं अब जस्ट सेकंड वीडियो में।